जो लोग जन्नत में होंगे अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, मैंने तुम्हारे साथ एक अहद किया था, अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया। ये सुनकर जन्नती हैरान हो जाएंगे कि जन्नत मिल गई, तमाम काम हमारी मर्जी से हो रहे हैं, आखिर कौन सी चीज है जो नहीं मिली। अल्लाह कहेगा, मैंने मेरे दीदार का वादा किया था, लिहाजा जन्नत अदन के अंदर अल्लाह के दीदार का इंतजाम किया जाएगा। जन्नतियों के लिए बाजार लगाए जाएंगे, उस बाजार के अंदर जन्नती जो शक्ल पसंद करेंगे वही उनकी शक्ल बन जाएगी। रेशम के बने हुए अजीबो गरीब लिबास होंगे और वो लोग अपने आप को सजा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार के लिए जाने की तैयारियां करेंगे। अल्लाह का दीदार कैसा होगा? अल्लाह का दीदार बेशुबा बेमिसाल बेकैफ होगा। अल्लाह फिर अपना दीदार करवाएंगे। बस के ऐ हुस्न के पैदा करने वाले, तेरे अपने हुस्न का आलम क्या होगा? जब अल्लाह का दीदार होगा तो जन्नत वालों का हुस्न बढ़ जाएगा। कोई भी ख्वाहिश है, दिली मुराद है, उसे हासिल करने के लिए तैयतुल वुजू, यानी आप जब नमाज के लिए वुजू बनाते हैं तो वुजू बनाने के फौरन बाद दो रकअत नमाज तैयतुल वुजू की नियत से आप अदा करेंगे, इसे तैयतुल वुजू कहते हैं। जब आप नमाज अदा कर लें तो फिर उसके बाद 100 मर्तबा यानी 100 टाइम्स आप पढ़ेंगे या लतीफू। ये पढ़ने के दौरान अपने हाजत की नियत रखिएगा, उसके बाद आप दोनों हाथ उठाकर अपने हाजत के लिए दुआ करेंगे।